हेलो हाय, दिस इज़ अनवर हेयर और आप देख रहे हो मेरे चैनल ऑटोनिटी वर्ल्ड को। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली हम जब भी नाइट में अपनी गाड़ी को रेयरली किसी भी टाइम में निकालना होता है तो कुछ चीज़ों की प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। अभी एक ऐसा मसला आ गया था जिसमें गाड़ी में ओवरहीटिंग और ओवरहीटिंग से गाड़ी स्टक हो गई थी। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो सबके पास वो सपोर्ट नहीं रहता है। लेकिन मेरे ये सोनू भाई है, जैसे भी आप अपने घर से निकलोगे, आप अपने गाड़ी का इंजन ऑन करोगे तो मैक्सिमम सी आपको दो तीन चीज़ ऐसी हैं जो आपको देखनी पड़ेगी उसके अंदर। जैसे आप मैक्सिमम आप देख नहीं पाते उस चीज़ को, आप इंजन ऑन करके ऐसे ही ले जाते हो तो जिसकी वजह से आपका ब्रेक डाउन कहीं भी रास्ते में हो सकता है। तो आप कभी भी गाड़ी घर से निकालो, इंजन ऑन करो आप अपनी गाड़ी का, उससे पहले आपको बोनट खोल के एक तो सबसे नंबर उसका कूलेंट चेक करो आप, जो जिसको बोलते हैं पानी रेडिएटर बॉक्स, उसमें आप खोल के चेक करोगे उसमें लेवल कितना है, लेवल कितना है, लेवल उसमें पूरा है नहीं है। अगर कम है तो उसमें टॉप कर गए आप। अगर इमरजेंसी में अगर वो नहीं मिल रहा हो और टेम्परेचर रेज हो रहा हो तो क्या पानी डाल के काम चल सकता है? हाँ, या पानी डाल के आप उससे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जैसे कूलेंट जिसे बोलते हैं हम, जो ब्लू कलर का नीले कलर का जो होता है, आप अगर आपको ना मिले तो आप उस पर पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कल हो के फिर वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। इस बारे में आपको पहले बताना चाहता हूँ, जब भी आप घर से निकलो तो उसमें रेडिएटर ढक्कन खोल के उसको आप गर्म गाड़ी पर कभी ना खोलें। आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसको बोनट खोल के ढक्कन खोलें, उसमें पानी चेक करें। और दूसरा नंबर फिर आप उसका ऑयल का लेवल, जो ऑयल का गेज होता है, आप कहीं भी लंबे सफर में जा रहे हो तो ये दो तीन चीज ऐसी हैं आपको बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि आप ना नॉन स्टेप कहीं भी आपकी गाड़ी ब्रेक मार सकती है, आपकी गाड़ी ऑफ हो सकती है, जो आपको रात के टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, तो ये इन्होंने एक और टॉपिक डाला है ब्रेक ऑयल का। तो ब्रेक ऑयल बहुत मैंडेटरी चीज़ होती है, सडनली हमारे ब्रेक काम करते रहते हैं, बट ब्रेक ऑयल और कूलेंट ये गर्मियों में आप जनरली चेक ही करना, क्योंकि टेम्परेचर रेज होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकेंडरी चीज़ है आप और मैकेनिकली कभी भी आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो हम ट्राई करते हैं कि 24/7 में हम रहें, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर गेटिंग कंजस्टेड। तो सोनू भाई हैं, ये हमारे टेक सपोर्ट में है मैकेनिकल। अगर आपकी गाड़ी में अगर कोई भी दिक्कत आती अपना है, अपना नंबर भी बता दो। तो एक्चुअली आप मुझे ना 5-7 किलोमीटर तक कहीं भी बुला सकते हैं। अच्छा, लोकेशन आपका है? लोकेशन जो हमारा है, इनका लोकेशन है exactly? हमारा शॉप है ओगला फेज 2 में, कालकाजी डिपो, रामा मोटर्स। राइट, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9818182850। तो जो चीज़ आपको हमने बताई है छोटी मोटी, पहली बात तो आप ये देख के चलोगे तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में, कोई इशू नहीं होगा इसमें इंजन में। तो हमारा जो आपसे कहना था सबसे पहले तो यही चीज़ है, आप कहीं भी घर से बाहर निकलो तो गाड़ी का कूलेंट ऑयल पानी ब्रेक ऑयल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आप इसको अगर देख के चलोगे कभी भी तो गाड़ी आपकी नॉन स्टॉप से कहीं नहीं रुकेगी, कोई भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमारा यही आपका प्रोडक्ट था बताने का। तो आज का मेजर हमारा टॉपिक था कि रात के टाइम, गर्मी के टाइम या रात की जो ब्रेक डाउन होती है ना, इस पर बहुत सारा मसला है। हमने बहुत सफ़र किया है, हमें नहीं मिल पाते चीज़ें, कभी आपका फ़ोन बंद हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो आपको रैंडम ऐसे चीज़ें सब्जेक्ट बता दिए गए हैं, जैसे कूलेंट से लेवल, तो आपका हीट हो रहा है तो पानी से भी काम चल सकता है, हम घर तक पहुँच सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आप केयर करो और आने वाले टाइम पे जितने भी नए टॉपिक्स आते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा कि पब्लिकली ये कॉमन चीज़ है, सबको फेसिंग करना पड़ा है। तो वी आर इन्फॉर्मिंग यू थ्रू आवर चैनल ऑटोनेटिव वर्ल्ड। और लाइक शेयर आप करो, उसके बाद क्या है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हो। अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आपकी मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ऑलरेडी सोनू भाई के नंबर डाले हुए हैं और मैं लिंक्स में भी दे दूँगा। और आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी आप ले कर आओ, स्कैनिंग से लेके आपका मैकेनिकल कोई फॉल्ट आ रहा है, वो भी फोर व्हीलर में सारे चीज़ सारे सेगमेंट की है, बट स्कैनिंग चीज़ स्कैनिंग से फाइंड आउट होगी, मैकेनिकल चीज़ डायरेक्टली दिख रही है तो मैकेनिकली वो ठीक होगा। पार्ट सारे अवेलेबल है जैनू, आप आके कॉन्टैक्ट करके काम करा सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे। ओके।